सारेगामा पा 2005, म्यूजिक का महामुकाबला 2009 और हिमेश रेशमिया जैसे दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर का साथ फिर भी क्यों हुआ सिंगर विनीत सिंह का म्यूजिकल करियर बर्बाद। दोस्तों, विनीत सिंह इंडियन आइडल 2022 में फिर से नजर आए हैं ऑडिशन देते हुए, लेकिन विनीत सारे गामा पा जैसे बड़े सिंगिंग शो में फर्स्ट रनर अप रहे थे 2005 में और काफी पॉपुलर भी हुए थे, और 2009 में म्यूजिक का महामुकाबला शो में भी उन्होंने खूब नाम कमाया था। यहां तक कि प्रेम रतन धन पायो और गुड बॉय बैड बॉय जैसी कई बॉलीवुड फिल्मों में भी विनीत गाने गा चुके हैं जिनका म्यूजिक हिमेश सर ने ही दिया है। लेकिन उनकी बर्बादी का कारण अकॉर्डिंग टू सोनी टीवी न्यू प्रोमो गलत आदतें जैसे अल्कोहल, देर रात तक पार्टियां, नशे में चूर रहना है, क्योंकि विनीत अचानक से मिली इतनी इज्जत और पैसों को संभाल नहीं पाया और वो गलत रास्तों पर चल पड़ा जिसकी मंजिल सिर्फ बर्बादी थी। नेहा कक्कड़ और विनीत दोनों ने अपने म्यूजिकल करियर की शुरुआत लगभग एक साथ ही शुरू की थी और वो किसी सिंगिंग शो में एक साथ नजर भी आए थे, लेकिन आज नेहा कक्कड़ बॉलीवुड इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम बन चुका है और विनीत सिंह गुमनाम हो चुका है। लेकिन अब फिर से विनीत सिंह अपनी तकदीर बदलने आए हैं इंडियन आइडल सीजन 13 में। वैसे क्या आप विनीत को सपोर्ट करते हैं? वीडियो पर लाइक्स और कमेंट्स करके अपना रिएक्शन जरूर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब नाउ।